दिस इज लौंगे वाला युद्ध स्थल। सर एक छोटा सा मूवी भी दिखाएंगे, ये देखिए 200 है, ये लो 200 दो। सर आएंगे ना भाई, तुम फाइट नहीं है ना, मैं नहीं आया किसी बात भी है। ओके हाय, ये लौंगी वाला का थिएटर है। लौंगी वाला इधर आ जाओ, सब टूटा हुआ है ना। लेट मी टेक ए वीडियो। Yes, and one ammunition. 200 gun from artillery gun. This is 7.92 mm machine gun. Oh, this is mounted on the jeep, I guess. Okay. At that time, we used to have this Chinese rifle. Huh? We no more need Chinese. What? This is used as a mounted machine gun for tanks and other. Yeah. The range is more, right? 7.9 mm. This is Pakistan. Unka arm se. Jai Jawan, we are really thankful to you guys. This is a war model. This is the most respected place, Longiwala, the war memorial where we have won the battle with Pakistan and unko itni buri tarah se haraya tha hamare Indian army ne,
उनके तो इतने सारे टैंक्स जीप्स सारे बर्बाद कर दिए थे हमने, और वो भागने में मजबूर हो गए थे। ये चलिए मेरे को पास से दिखाता हूँ आपको जो टैंक्स। ये देखिए, ये होता है असली टैंक। ये आर्टिलरी गन्स पहले ऐसे जीप में लाद के लिया जाता है। ये इजी टू ट्रांसपोर्ट था, और एक चीज़ है, इसको जल्दी आपको पहुंचा जा सकता है कहीं पे भी, इसलिए जीप्स में माउंट करके इसको भगाया जाता है। आगे आपको वो दिखाऊंगा, दूर दिख रहा होगा, जो पाकिस्तान की टैंक छोड़ के भाग गए थे भगोड़े, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये। ये देखिए, ये पूरे एरिया में सिर्फ आपको यहाँ के वार के मेमोरी में जो जो चीज़ें वो दिखेंगी आपको। बॉर्डर यहाँ से 15 किलोमीटर है। ये देखिए, आगे वहाँ भी लेके चलेंगे आपको जहाँ पे इन लोगों की तबाही, पाकिस्तान की तबाही हुई थी। शर्म से डूब मरेंगे ये पाकिस्तानी। ये देखिए, इनका टैंक छोड़ के जो भाग गए थे। T-59 टैंक है। दिस टैंक बिलोंग्स टू 22 कैवलरी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ये देखिए, आगे उधर देख सकते हैं, दिख रहा है वो, देखिए आगे जीप टैंक टूटी फूटी, वो जो सारे जीप छोड़ के भाग गए थे। चलिए दोस्तों, आगे और दिखाएंगे। There is a helicopter. It's taking off. देखिए एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो आप लोगों को दिख रहा होगा, चॉपर है। और ये देखिए जो यहाँ का गाथा लिखा हुआ है, यहाँ के इंडियन आर्मी ने हमारे देश के ब्रेव सोल्जर्स, देखिए क्या इंस्पायरिंग वर्ड्स लिखे हैं। टू यू फ्रॉम फेलिंग हैंड्स वी थ्रो द टॉर्च बी योर्स टू होल्ड इट हाई, इफ यू ब्रेक फेथ विथ अस हु डाई वी शैल नॉट स्लीप। हेलीकॉप्टर है वहाँ पे, ये देखिए बार बार ये चक्कर लगाती हुई। तो ये है हमारे जो इंडियन बॉर्डर को निगरानी करते रहते हैं सोल्जर्स टाइम टू टाइम, तो पूरा चक्कर लगा के आएंगे जस्ट टू सी कि बॉर्डर इज सेफ एंड बी स्लीप साउंड। थैंक्स टू दिस सोल्जर्स यार, इन पे क्वेश्चन मत किया करो, बहुत बुरा लगता है जब इनकी
लाइफ देखते हैं ना, ये हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। Longevala was one of the first hit by Pakistani army जब वार शुरू हुआ था। उन लोगों का ये preparation था कि Longevala then जैसलमेर कब्जा करने का, but इनकी हालत देखो, ये इनकी तबाही। आगे आपको दिखाते हैं और जो टैंक्स इन्होंने तबाह किया था, ये देखिए पाकिस्तानी टैंक जो हमारे इंडियन आर्मी ने बिना टैंक के सिर्फ मशीन गन और छोटे जो जीप वाले आर्टिलरी गन से मार गिराया था इनको। ये है औकात पाकिस्तान की इंडिया के सामने, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये देखो दिस इज द एंटायर Longevala, आप देख सकते हो। टैंक्स, ये पाकिस्तानी टैंक। जय हिंद सर। Longevala War Memorial, दिस इज वॉर मेमोरियल। अगर आप आ रहे हैं तो फिर एक आईडी कैरी करिएगा, ग्रुप में आ रहे हैं तो एक ही आईडी चाहिए इसमें, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। एंड इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। नहीं नहीं, हम हमारा विजिट फर्स्ट टाइम है। अच्छा, लेकिन हम आए हैं बहुत दूर से, पूरा राजस्थान टूर कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग राजस्थान टूर से निकले हो अभी? हाँ, दिल्ली से। हम सॉरी, तनु जा रहे हो अभी आप? हाँ हाँ, अभी हम लोग आ जाएंगे। दिल्ली से आए क्या? दिल्ली से आए। अच्छा अच्छा, वो एक आप लोगों का बाइक क्लब है क्या? हमारा ग्रुप है बस, तीन लोग का। ये मेरा क्लासमेट है, हम लोग स्टैंडर्ड 7th 8th से आफ्टर 30 इयर्स मिले हैं हम लोग। वेरी गुड बीइंग। ओके सर, थैंक यू, एंजॉय द ट्रिप। हवलदार दयानंद राम वीर चक्र, ये जो शहीद हुए थे उनका स्मारक है। सिपोही बिशान दास सेना मेडल, सिपोही जगजीत सिंह वीर चक्र, उस पर मत चढ़ना। जय जवान lest we forget for the fallen। ये जो ग्रीन है ना उस पे मत, लॉन वाला। हेलो सर, हाय। ये देखिए जो एयरप्लेन्स यूज हुए थे उस टाइम पे।
T-55 tank, main battle tank, was inducted into army, Indian army in 1968, and extensively used in 1971 war. Sturdy tanks, okay. सबसे यूजफुल टैंक है ये हमारी इंडियन आर्मी की उस टाइम की. व्हाट इज द हंटर? हंटर नहीं रखा? हाँ हंटर देखना था. राइट, व्हिच इज इट? दिस इज ना ना, ये हंटर नहीं है, ये शर्ट है. ये लुक एट दिस एरोप्लेन. फोर हंटर्स, दिस इज हंटर. Hunter? Yes. This is the Hunter plane, the fighter jet that was used 1971 Indo-Pak war. Look at this. Wow. देखो 1971 में यही इसका नाम था हंटर, इसे यूज किया गया था और ये सारे सारे टैंक्स को तबाह कर दिया था. 42 टैंक्स. हाँ, 37 टैंक्स एंड 07 ERVs.